खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है समय 7:45 हुए हैं, शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर थोड़ा बहुत खा पी करके आएंगे, मतलब डिनर पे जा रहे हैं, तो देखेंगे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, वो अभी कुछ सोचा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है, खासकर उसके लिए जा रहे हैं, वरना खाना तो हम लोग मंगवा के घर पे भी खा सकते थे, बना सकते थे, लेकिन कुछ एक काम है जिसके लिए स्पेशली हम लोग जा रहे हैं, और क्या है वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो बस इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, और ये ब्लॉग जितना भी बनेगा कल सुबह पे कंटिन्यू करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कर देते हैं दिया बत्ती, उसके बाद निकलेंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। ये है नेक्स्ट डे। कल मैंने बोला था हम बाहर जा रहे हैं तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन कल कुछ शाम को ऐसा हुआ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, थोड़ा सा दिमाग अशांत हो गया, तो ब्लॉगिंग मैंने की ही नहीं। और हम लोग गए और खाना खाने का भी मन नहीं था, बस खाना पैक करवा के लाए और घर पर बैठ के हमने खाना खाया, और हर्षू के लिए केक लेके आए, क्योंकि हर्षू आ रहा है कल सुबह तो उसका केक कटवाएंगे। उसका बर्थडे था 15 मई को, लेकिन वो वहाँ था, वहाँ उसके एग्ज़ाम थे, मुंबई में था, तो बस केक लेके हम लोग घर आए, खाना वाना खाया और हम लोग सो गए। और अभी है नेक्स्ट डे, सुबह की मॉर्निंग चाय वाय पी के हम लोग आ गए हैं स्टेशन हर्षू को लेने के लिए। अब बस हर्षू आ गया है, वेट कर रहा है, और हर्षू आ गया देखिए, और हर्षू आते ही आ गया है ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि उसको चलानी थी नई कार। तो बस अब हर्षू को ले करके आए हैं, और पहले हमने आते ही पी कॉफ़ी तीनों ने साथ में बैठ के, थोड़ी बहुत गप्पे वप्पे मारी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया साथ में। और मैं काट रही हूँ भिंडी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि हर्षू को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और सानू को भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और सानू भी यहाँ होती तो मज़ा आता हम चारों को एक साथ। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन भी आएगी, कभी होगा कि हम चारों भी एक साथ होंगे, लेकिन आजकल थोड़ी ऐसी सिचुएशन कम आती है, कभी सानू आती है तो हर्षू नहीं आता, हर्षू आता तो सानू नहीं आती। और कल कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको आगे शेयर करूँगी, पूरी बात तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ क्यों थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। कुछ महान आत्माओं की वजह से थोड़ा सा हो गया था, लेकिन चलो छोड़ो उनकी बातें, मैं ज़्यादा इग्नोर करना ही पसंद करूंगी। होते हैं लाइफ में आपके आजू बाजू हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अब आपके ऊपर है आप उस नेगेटिविटी को कितनी देर अपने साथ रखते हो। मैं ज़्यादा देर रखने वालों में से नहीं हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। आज सब्जी बनाने में आटा लगाने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि हमेशा तो उठने के बाद नहा के सीधा किचन में आके मैं आटा लगाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज तो फिर हम उठे, क्योंकि मैं उठी थी शायद 4:33 कुछ ऐसा कुछ, फिर मैं नहा के आई जब तक हर्षू का कॉल आ गया था, फिर मैं नहा के चाय चढ़ाई, पतिदेव उठे और चाय पी, और फटाफट हम स्टेशन के लिए रवाना हुए। स्टेशन पहुँचे तब तक हर्षू बाहर आ चुका था, बस उसको लेकर के आए, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी और भिंडी काटी। अब बस भिंडी की सब्जी बनाएंगे, और हर्षू बोल रहा है कि मुझे वो खानी है शाम को, ये अभी तो ब्रेकफास्ट में शाम का आ गया, पहले ब्रेकफास्ट में खानी चाउमीन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले सोचते थे कल ब्रेड लेके आएंगे, केक लाए तो मैंने सोचा ब्रेड लेंगे, लेकिन वहाँ पर ब्राउन ब्रेड थी और मैदा ब्रेड नहीं थी, तो पतिदेव को ब्राउन ब्रेड खानी नहीं, मैदा ब्रेड खानी है, तो ब्रेड लाए नहीं, तो अभी मैंने उसको ऑप्शन दिया, या तो चाउमीन या फिर पास्ता, तो बोलो मुझे चाउमीन खानी है, तो ब्रेकफास्ट में चाउमीन बनाएंगे और फिर बस यही काम। और शाम को मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी आज कचौरी, लेकिन हर्षू बोला नहीं मुझे आज कचौरी नहीं खानी, मुझे आज दाल बाटी खानी है, क्योंकि बच्चों को दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस शाम को दाल बाटी बनाएंगे, केक काटेंगे, और रात को केक लेके आ गए थे, तो सब्जी बन रही है, तब तक साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना एक काम हो रहा हो साथ में दूसरा काम करने तो टाइम बच जाता है। और भिंडी की सब्जी है वो धीमी धीमी आंच पे पकेगी, तब तक समय लगेगा, तब तक यहाँ चार बर्तन है वो साफ कर लूँगी। मैंने सोचा था आज बहुत टाइम बाद
मैं कचौरी बना रही हूँ। मैंने एक बार पहले बनाई थी, जैसे गुलाब जामुन बनाए थे उसी तरीके से पहले मैंने एक बार कचौरी बनाई थी। जब मैंने ये मेरा माँ का मेन्यू चैनल शुरू किया था, जब मैं कुकिंग रेसिपीज बनाती थी उस वक्त मैंने कचौरी बनाई थी। आज मैं कचौरी बनाने की सोच रही थी पर बेटे ने मना कर दिया, तो अब देखते हैं कब बनाएंगे, लेकिन कचौरी जरूर बनाऊंगी, मेरा बहुत मन है। जैसे मैंने सत्यानाश गुलाब जामुन के समान का किया वैसे ही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, एक बार मैं बिगाड़ा नहीं करूँ, अच्छी बनाने की कोशिश करेंगी 99%। 1% तो भगवान पे छोड़ देते, भगवान संभाल लेंगे सब कुछ। आप लोग बताइएगा, आप लोग बनाते हो कभी घर पे कचौरी, कोई भी कचौरी, आलू की कचौरी, प्याज की कचौरी, या फिर मूंग दाल कचौरी, या फिर समोसे, तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। और जब मैंने कचौरी की रेसिपी डाली थी ना पहले जब चैनल पे, तो बहुत सारे लोगों ने ना कचौरी बनाई थी और मुझे बोला भी था, किसी ने पर्सनली कॉल किया था और व्हाट्सएप पे कमेंट भी किया था, यूट्यूब पे भी बोला था हमने बनाई, और सबकी बहुत अच्छी बनी थी कचौरी, टेस्टी बनी थी। तो जी अभी मैं हूँ किचन में, शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ बाटी। और आज का मेन्यू 3 बार डिसाइड होते होते चेंज हो गया, और ये सब करने वाला हमारा हर्षू है। पहले डिसाइड था कि आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल कचौरी, फिर वो बोला नहीं मुझे कचौरी शाम को नहीं खानी, फिर मैंने कहा चल तुझे क्या खाना है, दाल बाटी, तो बोले हाँ, फिर दाल बाटी। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या तेरे को कढ़ाई पनीर और नान खानी है, तो फिर बोला चलो ठीक है कढ़ाई पनीर और नान, फिर बोला चलो दाल बाटी। तो फाइनली जो सुई है वो दाल बाटी पे आके अटक गई है, तो अब मैं बना रही हूँ दाल बाटी। और इसी के साथ आज भानु और सनी जी को भी बुलाया है, क्योंकि केक काट रहे हैं, तो भानु सनी जी को बोला है अगर वो लोग आ पाए तो फिर वो आ जाएंगे, और नहीं आ पाए तो हर्षू जाएगा जो गौरा रानी से मिलके भी आ जाएगा, और वहाँ पर दाल बाटी देख करके आ जाएगा, क्योंकि भानु सनी जी को भी दाल बाटी बहुत पसंद है। मेरे हाथ की लाइट जा चुकी है एज यूजुअल, जो कि हमारे यहाँ का शगुन है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और लाइट ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पर कोई बात नहीं। मैं बाटी माइक्रोवेव में OTG में चढ़ाने वाली थी, लेकिन बाटी बना के ढक के रख दूंगी जब तक मैं मिर्ची काटूंगी, मिर्ची कुट्टा बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, बस ये सब। और ये ब्लॉग टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, इसके लिए सॉरी कि कुछ कारणों की वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। कल शाम को ब्लॉग शुरू किया, फिर हम बाहर गए और फिर बस ब्लॉग बनाया ही नहीं, सुबह थोड़ा सा बनाया, फिर वो दिन भर काम चल रहा था तो मैंने बनाया ही नहीं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग तरीके से चले। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को जैसा भी हो आप लोग चला लीजिएगा, और अब बस फटाफट काम करते हैं, और अब भानु सनी जी आए तो आपसे भी मिलवाएंगे, केक वेक काटेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी मैंने चाय पे चर्चा होती है वैसे ही, आज दाल बाटी पे चर्चा करते करते इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं ना, कि उनके चलते चलते मैंने जितना ब्लॉग बना पा रही हूँ तो उसमें मैंने बना दी है यहाँ पर बाटी। आप देख सकते हो मेरी बाटी एक साइड से सिक गई है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर बना दिया है मिर्ची का कुट्टा, जो कि थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, अब मैं इसे निकाल दूंगी एक कटोरी में। इसी के साथ मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है, दाल भी लगभग बनने ही वाली है। और यहाँ पर एक साइड से हमारी जो बाटी है वो सिक चुकी है, अभी मैंने इसको उलट पलट कर दिया है और एक बार फिर से बंद कर देंगे। और इस तरीके से ना OTG में बाटी बनाना बहुत आसान है, बाटी खाना सबको पसंद है, लेकिन जब वो बाटी कुकर में बनानी पड़े ना तो भाई साहब तो सोचना पड़ता है यार, खड़े खड़े ना, जब आप खड़े होते ना तो जो पसीना चलता है ना ऐसे ऐसे, वो बहुत ख़राब लगता है। पर इसमें एक बार बाटी बना के रख दो, फिर जब एक साइड से सीख जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर दो, बाकी कोई भी झंझट नहीं है। मैंने बाटी बनाने के लिए रख दी, उसके बाद मैंने मिर्ची का कुट्टा बना लिया और इधर मैंने बाटी बना ली, और बस अब लगभग मेरा सारा खाना लगभग तैयार है। बस दाल इसमें डालूंगी, कुकर की सीटियां बुलाऊंगी, और बाद में धनिया डालूंगी, और जो बर्तन हुए हैं वो साफ़ करूंगी, और खाना रेडी है। और बस अब ये है कि भानु सनी जी को फ़ोन करूंगी कि आप वो लोग आ रहे हैं या नहीं, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, फिर तो हम लोग उनके आने के बाद केक काटेंगे, और नहीं आया तो फिर पहले हर्षू को भेजूंगी, या तो हर्षू जाके दे के आएगा खाना, क्योंकि केक तो फिर हर्षू के पापा का वेट करेंगे कि वो आएंगे, उसके बाद ही हम लोग केक काटेंगे। तो बस अब ये सभी है, और बाकी आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। और सॉरी मैं थोड़े से तरीके से अभी थोड़ा सा ना कुछ 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 ऐसा चल रहा है दिमाग में, थोड़ी सी मन अशांत है,
क्यों है, कभी किसी टाइम जरूर शेयर करूंगी, कोई अगर सही मौका, सही मुद्दा, सही समय आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आज के दिन में क्या ऐसा कुछ हुआ। लेकिन हाँ, अभी मैं इसको जरूरी नहीं समझती। कोई भी चीज़, कोई भी बात आप तभी करो जब उस बात का इम्पोर्टेंस हो या वो बात इतनी इम्पोर्टेंट हो। ये जो है ना, चलो छोड़ो इसको, बस मेरी बाटी बन जाए और फिर मैं बर्तन साफ कर लूँ और बाकी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि मेरी जो बातें हैं वो आपको कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मेरी चटर पटर आपको कैसी लगती है, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है, और आप मेरे साथ किस तरह के मेरे चैनल पे ब्लॉग देखना पसंद करोगे, ये मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो बस मसाला जो भुन चुका है, अभी हम इसमें डाल देते हैं दाल। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, अभी कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें चल रही है, तो मेरे जो ब्लॉग हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार परिवार वो होते हैं जो मेरे सास सूजी का मतलब पूरा परिवार है, या मेरी मम्मी का परिवार है वो है मेरा परिवार, और उसके बाद जो है वो है रिश्तेदार, ठीक है। तो मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स, जो भी है, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग बनाने से प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, तो आप मेरे मुंह पे बोल सकते हो कि आप हमें ब्लॉग में मत लेना, हमें ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी लाइफ में ब्लॉग में नहीं लूंगी। तो आपको जो भी बोलना है ये मेरे मुंह पे बोले, मेरे पीठ पीछे नहीं बोले। तो मैं आज सबको बोलना चाहती हूँ, अड़ोसी पड़ोसी को भी, फ्रेंड्स को भी, जो भी है वो आप मुझे मुंह पे बोल सकते हो कि प्लीज़ नीतू आप हमें ब्लॉग में मत लो, हमें अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे आना। क्योंकि मैं मानती हूँ मेरे बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होता, हर्षु को भी थोड़ी शर्म आती है, पतिदेव को भी थोड़ी शर्म आती है, वो फिर भी आते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे पसंद है, मेरे परिवार को पसंद है, तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आप मुझे मुंह पे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये बात मैं कहना चाहती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बोले, मेरे पीठ पीछे नहीं। मैं सुनने की हिम्मत रखती हूँ, और मैंने आपको कोई फोर्स नहीं है किया है कि आप लोग मेरे ब्लॉग में आओ, और आप मुझे कोई ऐसा कंटेंट देने वाले नहीं हो, और ऐसा नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग में आओगे तभी मेरा ब्लॉग चलेगा। मेरा ब्लॉग मेरे दम पे चलता है, आप लोगों के दम पे नहीं है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, बाकी बस इतनी सी चीज़ है जो ये मैं मेरे ब्लॉग में कभी नेगेटिविटी बताती नहीं हूँ, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। एक एक बंदे को कॉल करके, मैसेज करके मैं ये बात बताऊंगी ना, तो शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मेरे ब्लॉग के थ्रू बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बोले कि हम ब्लॉग में नहीं आना चाहते, ब्लॉग में मत लो। और इसी के साथ, जब मैंने इतनी नेगेटिव बात बोली है, तो उसके साथ एक पॉजिटिव बात बोलना बहुत ज़रूरी है। वो है मेरे फॉलोअर्स, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे जो अननोन सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सिर्फ ब्लॉग के थ्रू जानते हैं, या मेरे परिवार वाले हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं, मेरे ब्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। आज आप लोगों की वजह से मैं अगर इतना बोल पा रही हूँ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, और मैं इतनी सी भी कुछ भी कामयाब हुई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुए हैं। और बाकी तो क्या है, लाइफ में हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे भी मिलेंगे जो टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। पर बुरे लोगों को इग्नोर करते हुए, उन बुराइयों को इग्नोर करते हुए, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। इतनी मुझे आप लोगों से ज़रूर उम्मीद है, और मुझे मालूम है आप लोग मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए, बस यही कहना था। और बाकी मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरे ब्लॉग में इस तरह की नेगेटिविटी दोबारा कभी ना आए। ये फर्स्ट टाइम था, पर ये कहना ज़रूरी था इसके लिए। तो जी, बाटियाँ यहाँ पे सिक गई है, और अभी हम इनको निकालेंगे और इस तरीके से कपड़े से दबा के, आप देख सकते हो थोड़ा सा इसका मुंह खुल गया है, और इसको हम करेंगे डिप घी में, क्योंकि बाटी का असली स्वाद घी के साथ ही आता है। जैसे परातियों का स्वाद पान पराग से होता है, वैसे ही बाटी का स्वाद हमेशा घी से ही आता है। तो हम बाटी को घी में डुबा करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, और फिर हम इसमें इकट्ठा करके इसको ढक के रख देंगे। तो बस अभी आज मैंने प्लेन बाटी बनाई है, नमक और अजवाइन और गोमोइन देके, पर कभी कभी मैं इसमें धनिया भी डालती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया। और बस अब हम इनको सेक लेते हैं, और मैं इंतजार करती हूँ, भानु सनी जी का कॉल किया, उनका कॉल लग नहीं रहा है, तो वापस कॉल करते हैं कि भाई वो आ रहे हैं या नहीं। नहीं आ रहे हैं तो या तो मैं और हर्षु जाके देख के आएंगे, या फिर हर्षु अकेला जाके देख के आ जाएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हो बाटियाँ हमारी हो गई है तैयार एकदम। इनको मैंने घी में डुबो दिया है, अब इसको ढक के रख दूंगी। रोटी जी को भी मैंने यहीं रखा है, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको अपनी जगह पर रखूंगी। बाकी मेरा किचन एकदम साफ हो गया है, काम खत्म। तो जी अभी सब खाना बन गया है और मैं डाल रही हूँ दाल में धनिया, और मैं खाना पैक कर रही हूँ सनी जी भानू का, वो लोग नहीं आ रहे, उनको कुछ काम हो गया। तो बस अभी खाना पैक करूंगी, हर्षु खाना दे करके आएगा और उसके बाद पतिदेव आएंगे जब हम लोग काटेंगे केक। तो बस खाना पैक कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो उससे पहले हर्षु जा करके देख के आ जाए। और हर्षु चला गया है भानु और सनी जी को खाना देने के लिए, मैंने खाना पैक करके भेज दिया है। और यहाँ पर ओटी जी है जो ठंडा हो गया है, तो बस अब ये सामान है मैं कर दूंगी इसके अंदर पैक। और पतिदेव का वेट है, केक के हमने अभी तक काटा नहीं है, मैंने कहा पापा आएंगे तो अगर ये पहले आ जाते ना तो हम लोग पहले केक काट के मैं उनके यहाँ केक भी भेजती, पर ये अभी आए नहीं और इनके बिना केक काटना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केक मंगवाने का आइडिया इनका ही था। मेरे दिमाग में था कि हर्षु आएगा तो मैं उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी, जो भी वो बोलेगा जो भी उसको पसंद है मैं सब उसको बना बना करके खिलाऊंगी। और ये आइडिया आया था पतिदेव का कि वो जिस दिन उसके एग्ज़ाम थे, जिस दिन उसका बर्थडे था 15 मई को, और उसके नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था, तो उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो शाम को कॉल किया ना तो वो थोड़ा सा उसकी आवाज़ थी ना वो उदास थी, क्योंकि पहली बार वो हमसे दूर था, उसका पहला ऐसा बर्थडे था जो हमसे दूर था और बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया, तो इनको लगा कि वो थोड़ा उदास है। तो इन्होंने बोला कि चल वो आएगा ना उस दिन अपने केक लाएंगे और उससे केक कटवाएंगे और तू उसका फेवरेट खाना बनाना। मैंने कहा ठीक है, और तो इसीलिए बस पतिदेव का वेट है, जब वो आएंगे तभी हम केक काटेंगे, जब तक हर्षु खाना दे करके वापस भी आ जाएगा। और बस मैंने ये सब कर दिया है, जो थोड़ा बहुत घर में कुछ भी फैला हुआ था इधर उधर वो सब कर दिया है। अभी मैं करूँगी दिया बत्ती और आपको सीधा मिलेंगे तब जब पतिदेव आ जाएंगे, जब हम लोग केक काटेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको मालूम है मैं मेरी हर खुशी हर गम सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ बस ये है कि हर्षु हो सकता है वो ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आएगा क्योंकि उसको थोड़ी शर्म आती है, लेकिन जितना भी आएगा मैं पक्का शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो जी यहाँ पर केक लग चुका है और केक है क्या है, कॉफ़ी मोका, कॉफ़ी मोका। अब ये पहली बार लाए हैं, देखते हैं कैसा निकलता है। और इसी के साथ इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि ये जो कैंडल है इसको प्लीज़ सीधी ही लगाना, क्योंकि पिछली बार जब पतिदेव का बर्थडे था तो मैंने जो कैंडल है उसको इस साइड से लगाने की बजाय इस साइड से लगा दिया था और कैंडल ने जलने में बहुत टाइम लिया था। तो अभी हम ये गलती नहीं करेंगे, बस इंतज़ार है पतिदेव का, वो आ जाए तो फिर हम केक काटेंगे और फिर खा लेंगे। माचिस लाओ माचिस। पिछली बार तेरा फोन जलता जलता बचा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हर्षु, हैप्पी बर्थडे टू यू। माय रेड का बर्थडे है, माय रेड का, मेरे लाल तो तू पैदा हुई थी जो हमने लड्डू बांटे थे। हर्षु पैदा हुआ तो हर्षु को बांट दिया। चलिए दोस्तों केक कट गया है और फाइनली अब इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। और यहाँ पर सानू सानू सब बोल रहे हैं कि हम सानू को बहुत मिस करेंगे ब्लॉग में। देखिए आपके कैमरा में मैं नहीं दिख रही। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, इतना बड़ा नाक आ रहा है मेरा। तो सब कह रहे हैं कि हम सानू को मिस करेंगे। कैमरा दूर। बस मम्मी इट इज ओके, आई विल मिस यू टू गाइस। ओके बाय। हाय बाय, लव यू। तो सानू भी वीडियो कॉल में जुड़ गई थी। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे आप नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा।